अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करने लगे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में ये पूरा चैप्टर जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस करेगा, मतलब कि हमारे पास एटम की डिस्कवरी, ठीक है, उससे मुतलिक थ्योरीज से लेकर फिर उसके स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप, जैसे एवोल्यूशनरी उसमें डिस्कवरीज होती रही हैं, उसको यहाँ डिस्कस करेंगे हम लोग इस पूरे चैप्टर में। तो सबसे पहले तो हम लोग हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि एटम का कंसेप्ट कब से आया और फिर कैसे स्टेप बाय स्टेप उसमें चेंजिंग्स आई हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, डेमोक्राइटस, ठीक है, ये जो फिलासफर था, इसके अकॉर्डिंग मैटर इज कम्पोज ऑफ टेनी डिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। डेमोक्रेटस के मुताबिक, फिलासफर था, साइंटिस्ट नहीं था ये कोई, ठीक है, ये फिलासफर था, इसके मुताबिक तमाम कायनात मैटर से बना हुआ है, और जो मैटर जो है ना वो बेसिकली अगर हम लोग मैटर को तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तो एंड पे एक ऐसा पार्टिकल बचेगा जो कि फर्दर नहीं टूटेगा। उस पार्टिकल से हमारे पास तमाम मैटर बना हुआ है, टिनी डिविजिबल पार्टिकल्स का नाम ये डेमोक्राइटस ने दिया था। उस टाइम तक इसको एटम का नाम नहीं दिया गया था, ठीक है, लेटर ऑन उन टिनी डिविजिबल पार्टिकल्स को एटम्स का नाम दिया गया। और एटम जो है वो एटमोस एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है जिसका मीनिंग है इनडिविजिबल। डेमोक्रेटस खुद ग्रीक फिलासफर था, ठीक है, और तो एटम का नाम जो है वो एटमोस लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, लेटर ऑन इसको एटम बोला गया था, ठीक है। डेमोक्रेटस के बाद हमारे पास 19th सेंचुरी के स्टार्ट में बिल्कुल अगर हम लोग देखें तो एक साइंटिस्ट था डाल्टन्स। डाल्टन्स ने अपनी एटॉमिक थ्योरी पेश की थी। डाल्टन्स का पहला पॉइंट तो वही था डेमोक्रेटस वाला, ठीक है, वो उसी से एग्री कर रहा था कि ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मीनिंग जो फर्दर डिवाइड ना हो सके, ना काबिले तकसीम पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट सेम टू सेम उसका क्या है, डेमोक्रेटस वाला ही है कि तमाम मैटर जो है वो स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स से बना हुआ होता है और इसने उसको एटम्स का नाम दिया था, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो एटम्स होता है वो हार्ड होता है, डेंस होता है, स्फीयर होता है। ये जॉन डाल्टन्स ने ये बात कही थी कि एटम इज ए हार्ड डेंस स्फीयर इनडिविजिबल पार्टिकल होता है। इसका जो सेकेंड पॉइंट था कि कोई भी एक एलिमेंट होगा तो उसमें एक ही तरह के एटम्स मौजूद होंगे, ठीक है, ये जॉन डाल्टन ने ये कंसेप्ट दिया था कि एलिमेंट्स हम लोग बार बार फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि एक ही तरह के एलिमेंट्स में जो एक ही तरह के एटम्स होते हैं, ठीक है, एलिमेंट कहते ही हम लोग उस प्योर सब्सटेंस को हैं जिसमें एक ही तरह के एटम्स हो। एटम थर्ड पॉइंट जॉन डाल्टन ने क्या कहा था, एटम्स कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म कंपाउंड्स। देखें उस टाइम हमारे पास डाल्टन हमें बता रहा है कि एटम्स जो होते हैं कंबाइन करते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से वो कंबाइन करते हैं और वो कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। तो इसको हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं, ये इसने बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी में ये इसने सारी डिटेल दी थी, ठीक। अच्छा, तो 19th सेंचुरी के एंड तक यही कंसेप्ट रहा था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल है, मतलब उसको फर्दर हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन एंड ऑफ द 19th सेंचुरी एंड स्टार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है, 19th सेंचुरी के आखिर में और 20th सेंचुरी के बिल्कुल स्टार्ट में रेवोल्यूशनरी चेंजेस आई थी, ठीक है, केमिस्ट्री में। उसके अकॉर्डिंग हमें गोल्डस्टीन
जे जे थॉमसन, बोहर और बहुत से और साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत रेवोल्यूशनरी काम किया और इन्होंने एटम्स के मुतल्लिक बहुत सी डिस्कवरीज की थी। इन्होंने ही बताया कि एटम जो है, ठीक है, रिवील्ड दैट एटम इज मेड अप ऑफ डिविजिबल, ठीक है, डिविजिबल पार्टिकल्स, कि एटम्स जो है वो फर्दर खुद डिविजिबल है। क्यों डिविजिबल है? क्योंकि इन्हीं इन्हीं साइंटिस्ट के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, तो हमारे पास ये सारे जो हैं मेजर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एटम्स में बड़ा रेवोल्यूशनरी कंट्रीब्यूशन किया है एटम के स्ट्रक्चर में। इनके अकॉर्डिंग एटम को हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। एटम खुद जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स स्टूडेंट्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब एटम्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। जैसे हम लोग हेडिंग के अंदर जो कोई हेडिंग हो तो उसको सब हेडिंग बोलते हैं, इसी तरह से एटम्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और इनको मिला के कोई हंड्रेड्स ऑफ हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो है वो फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है वो आगे से हमारे पास तीन ऐसे हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, जो फंडामेंटल है। फंडामेंटल का मतलब ये हर एटम के अंदर मौजूद होते हैं, मतलब तमाम एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इनको फंडामेंटल, फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ओके, तो थ्री हमारे पास क्या हैं, फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और इनके अलावा बहुत से हंड्रेड्स ऑफ हमारे पास क्या हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स अब तक हो चुके हैं, जैसे पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है। ठीक है, ये डिफरेंट तरह के हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके हैं। अब हमारे पास क्या है कि जे जे थॉमसन ने बेसिकली जो है वो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डिस्कवरी की थी और उससे मुतलिक बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी है हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स। उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे बाद में एक मॉडल, एटॉमिक मॉडल पेश किया था जिसको हम बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल या फिर थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जे जे थॉमसन के मुताबिक क्या था एटम, दिस एटॉमिक मॉडल डिपिक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स एज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के डिस्कवरी में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो इसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि एम्बेड हुए हुए हैं। किसके अंदर एम्बेड हुए हुए हैं, पूरा एक पॉजिटिव स्फेयर है, पॉजिटिव स्फेयर है, ठीक है, जिसको उसने कहा था सी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पूरा पॉजिटिव स्फेयर है, ऐसे बॉल की तरह का पॉजिटिव स्फेयर है और जैसे उसके अंदर जगह जगह नगीने जड़े होते हैं ना, एम्बेडेड होते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज एम्बेड हुए हुए हैं। ठीक, ये बिल्कुल, और उसको प्लम पुडिंग मॉडल, मतलब कि जैसे कि हमारे पास पुडिंग के अंदर प्लम्स जो होते हैं वो जगह जगह क्या किए हुए होते हैं, एम्बेड हुए हुए होते हैं। ठीक है, ये एक स्वीट डिश का नाम है, तो उसी से उसने क्या किया कि ये वाला मॉडल पेश किया था। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो है हमारे पास क्या है, हम लोग जो है फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरीज की तरफ जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम सबसे पहले जो है वो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज जो है उसको
स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।